एक मिनट खामोशी। खामोशी, मैंने एक अहम बात करनी है, एक अहम बात करनी है, खामोशी जी। ये जितने भी गैलरीज में बैठे हैं इनको निकाल दिया जाएगा अगर किसी ने भी नारेबाजी की। यहाँ पे आप पे तमाम पे लाजिम है कि आप खामोशी से कौमी असेंबली की कार्रवाई सुनने के लिए आए हैं, यहाँ पे एज ए मेहमान आए हैं और आपने इस ऐवान का एहतराम करना है। मैंने आपसे जरूरी बातें करनी है। अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग हो चुकी है और इसका नतीजा आप सबके सामने है। पिछले कई रोज से मेरी रूलिंग जो मोरखा 3/4/2022 को मैंने दी, जो अदालत ने गैर आइनी करार दी, इस पर काफी बहस हुई है। अदालत के फैसले का एहतराम हम सब पर लाजिम है, लेकिन मैंने जो फैसला जिन वजूहात की बिना पर किया वो हालात और वाकयात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। वो फैसला मैंने एक मोहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया, वो फैसला मैंने कौमी असेंबली के एक महाफिज के तौर पर, स्पीकर के तौर पर किया। मैं आपको बताता चलूं कि वफाकी काबीना, कौमी सलामती कमेटी और पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में वो गैर मुल्की मरासला जेर बहस लाया गया और इस बात की तायद की गई कि पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक लाई जा रही है वो एक गैर मुल्की साजिश है। और अब वफाकी काबीना ने, और अब जब आखिरी वफाकी काबीना का इजलास हुआ है मोरखा 9/4/2022 को, इसमें फैसला किया गया कि यह मरासला डी क्लासीफाइड किया जाए और यह मरासला मुझसे पहले कौमी असेंबली के स्पीकर असद कैसर को हुकूमत की तरफ से आया और असद कैसर ने खुद पढ़ा और खुद बगौर जायजा उसका लिया। और जब मैं यहां पे एक्टिंग स्पीकर आके बनाऊं बैठा हूं, यह मरासला मेरे हाथ में सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमला गरूराना तौर पर, तकबराना तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है और कहा गया कि ये, आपको यह भी बताता चलूं, यह मरासला पाकिस्तान में हदम एतमाद की तहरीक आने से पहले यह मरासला दिया गया, यह आया यहां पे। और इसमें साफ लिखा गया आका की तरफ से कि अगर यह हदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को संगीन हालात से गुजरना पड़ेगा और अगर यह तहरीक कामयाब होती है, यह बात मुतअद्दिद बार लिखी गई है इस मरासले के अंदर, कि आपको फिर माफ कर दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब का यह कसूर था कि उन्होंने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, आजाद मईशत की बात की? क्या उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की? उन्होंने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा? क्या पाकिस्तान एक आजाद मुल्क नहीं है? मैं आप सबसे पूछता हूं आज, क्या इलामा इकबाल ने जो खुदी का फलसफा दिया जिसमें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, क्या ये गुलामी करने के लिए मुल्क है? क्या आजाद शहरी नहीं है हम? आज पूरे पाकिस्तान के शहरियों से मैं पूछता हूं कि क्या ये गुलामी करना है हमने? आज इस चीज की सजा दी गई वजीर आजम इमरान खान साहब को कि वो गुलामी नहीं मान रहा था, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की बात की। मैं वफाकी काबीना के, जो मुझे ये की इजाजत से डिसक्लासिफाइड किया गया है, ये मरासला मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मरासला कौमी असेंबली की तरफ से भेजता हूं। और मैंने जो कुछ किया अपने हल्फ और आइन की पासदारी करते हुए एक मोहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। मैं किसी दूसरे गैर मुल्की ईमा पर पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली, जो कि कौम की इज्जत अना बका के खिलाफ होने के साथ साथ आइन शिकनी के जमरे में भी आती है, इसे रोकने के लिए किया और रोकने के लिए हर पूरी कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अदालत उज़्मा का जो भी फैसला था वो मनोअन तस्लीम किया है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम सबको इस पर सोचना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। मेरे से अगर किसी की भी दिल आजारी हुई हो तो मैं उससे माजरा चाहता हूं पूरे ईवान से। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये ईवान रूल और आइन के मुताबिक चलाऊं।